नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने देश की जनता पर कर का बोझ कम करने और राष्ट्र के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाने की केंद्र सरकार को सलाह दी है। न्यायमूर्ति बोबड़े ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यधिक कर को सामाजिक अन्याय के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर चोरी देश के नागरिकों के प्रति सामाजिक अन्याय है, तो मनमाने तरीके से और अत्यधिक कर वसूलना सरकार की ओर से किया गया सामाजिक अन्याय है। मुख्य न्यायाधीश ने आयकर संबंधी विवादों में न्यायाधिकरणों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कर विवाद के निपटारे के लिए गठित अदालतें देश के लिए संसाधन जुटाने में अहम भूमिका निभाती हैं। न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा कि टैक्स ऐसा विषय है जिससे जुड़े मसले निपटाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। आयकर न्यायाधिकरण न्यायपालिका का बोझ कम करने की दिशा में सहायता कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि चुनावी उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा करने के 2018 के उनके निर्देश से राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने में मदद नहीं मिल रही है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों से उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की मीडिया में घोषणा करने के बारे में कहने के बजाय राजनीतिक दलों से कहा जाना चाहिए कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही ना दें। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर एक सप्ताह के भीतर इसकी रूपरेखा पेश करें। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और निर्वाचन आयोग से कहा कि वे साथ मिलकर विचार करें और सुझाव दें जिससे राजनीति में अपराधीकरण पर रोक लगाने में मदद मिले। सितंबर 2018 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। फैसले में कहा गया था कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अद्यतन संस्करण में आधार, चावल, डब्बा, हड़ताल और शादी सहित 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्दों को जगह मिली है। शब्दकोश का 10वां संस्करण जारी किया गया जिसमें कुल 384 भारतीय अंग्रेजी शब्द हैं। साथ ही चैटबोट, फेक न्यूज और माइक्रोप्लास्टिक सहित करीब 1000 नए शब्दों को भी इस शब्दकोश में जगह मिली है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने कहा कि शब्दकोश सालों से भाषा में आ रहे बदलाव और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने कहा कि शब्दकोश सालों से भाषा में आ रहे बदलाव और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यह सुनिश्चित किया गया है कि नए संस्करण में इस्तेमाल भाषा और उदाहरण प्रासंगिक और समय के अनुरूप अघटन हों। शब्दकोश का नया संस्करण ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी की वेबसाइट और ऐप पर संवादनात्मक सुविधा से युक्त है। वेबसाइट में दृश्य ध्वनि शिक्षण, वीडियो वॉक थ्रू सॉफ्टवेयर, स्वयं अध्ययन गतिविधियां और परिष्कृत आई राइटर और आई स्पीकर टूल्स जैसे अद्यतन सुविधाएं हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में संबंध निदेशक शिक्षण विभाग फातिमा दादा ने बताया कि संस्करण में 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्दों को जगह मिली है जिसमें 22 मुद्दे संस्करण में हैं जबकि 4 डिजिटल संस्करण में हैं। चीन ने खतरनाक विषाणु कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए और विषाणु पर नियंत्रण करने के मद्देनजर इससे प्रभावित शहर के आसपास मौजूद 4 और बड़े शहरों में शुक्रवार को यात्रा प्रतिबंध लगा दिया जिससे यात्रा प्रतिबंध वाले शहरों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और इसके कारण इन शहरों में रह रही करीब 4.1 करोड़ की आबादी प्रभावित है। मध्य हुबेई प्रांत में स्थित शियानिंग, शियाओगन, एनशी और जिजियांग शहरों में अधिकारियों ने बताया कि बस एवं रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। हुबेई प्रांत में ही इस विषाणु का सबसे पहले पता चला था। नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बीते 24 घंटे में हुबेई प्रांत के शहरों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध में ये नए नाम जुड़ गए हैं। इस विषाणु से 800 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।